हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि रायगंज यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इन्होंने ये डिपार्टमेंट वाइज सीटें भी बताई है। तो सबसे पहले हम साइंस डिपार्टमेंट के अंदर देख लेते हैं। इन्होंने बॉटनी के अंदर 5 सीटें बताई है, केमिस्ट्री के अंदर 6, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर 5, मैनेजमेंट के अंदर 3, मैथमेटिक्स के अंदर 9, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर 13, फिजिक्स के अंदर 4, सेरिकल्चर के अंदर 7, जूलॉजी के अंदर 4 और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने भी कुछ सीटें बताई हैं, जिसमें कि बंगाली के अंदर 2, कॉमर्स के अंदर 10, इकोनॉमिक्स के अंदर 6, इंग्लिश के अंदर 7, ज्योग्राफी के अंदर 5, हिस्ट्री के अंदर 2, लॉ के अंदर 7, फिलोसफी के अंदर 4, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 9, संस्कृत के अंदर 6, सोशोलॉजी के अंदर 5। टोटल 20 सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने सीटें बताई है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और दोस्तों, एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने बताया है कि जिसके पास मास्टर डिग्री है 55% के साथ में तो वो आवेदन कर सकते हैं, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी नॉन कैमिलियर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को। और यदि किसी पास में एमफिल डिग्री है फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी भी सेम रहेगी। और ये एमफिल है किसी ने जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वाइवा नहीं हुआ है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, बट उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए जब तक एडमिशन मिलेगा। तो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी एमफिल वालों के लिए दी हुई है। यदि कोई और अब्रॉड से ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, प्लस उनके पास में 10+2+3+2 वाला सिस्टम से डिग्री वगैरह होनी चाहिए। तो आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। इन्होंने बताया कि यदि कोई फुल टाइम के अंदर आवेदन कर रहा है तो वो अपने मास्टर डिग्री के रिलेटिव सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करें। और प्रोसीजर ऑफ एडमिशन के अंदर इन्होंने बताया है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वेबसाइट पर जाके और पेमेंट करनी है। फीस इन्होंने यहाँ पर 1000 रुपये बताई है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, और 700 रुपये इन्होंने एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी वालों के लिए बताया है, और 3000 रुपये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बताया है। और आगे दोस्तों, इन्होंने बताया है कि यदि किसी कैंडिडेट ने जेआर नेट सेट गेट एमफिल वगैरह क्वालिफाई वगैरह नहीं किया है तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और इंटरव्यू भी देना होगा, और उनका पेपर 50-50 का रहेगा, 50 जिसमें से रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा और 50 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इन्होंने आगे बताया कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए, और 45% मार्क्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए बताया है रिटन टेस्ट के अंदर। और जिन्होंने जेआरएफ नेट सेट गेट एमफिल वगैरह क्लियर किया है और एमफिल उन्होंने रिटन टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया हो तो वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ये एक्सक्लूडिंग है ज्योग्राफी और सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट को छोड़कर, तो इन्होंने विद कोर्स वर्क और विदाउट कोर्स वर्क बताया है, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 10000 रुपये कोर्स वर्क का ही अंतर है। तो जिनको कोर्स वर्क वगैरह देना है तो उनको 22,850 रुपये के आसपास फीस देनी होगी, और जिनको कोर्स वर्क नहीं देना है तो उनके 10000 रुपये कम कर दिए जाएंगे, तो 12,850 रुपये फीस उनको देनी होगी। जो एमफिल वाले हैं उन्होंने कोर्स वर्क वगैरह किया हुआ है तो उनको कोर्स वर्क फिर से करने की जरूरत नहीं है, उनको कोर्स वर्क से भी एग्जम्पशन मिलेगा, तो ये एक अच्छा बेनिफिट भी है। और आगे इन्होंने ऐसे ही अदर फीस वगैरह भी बताई है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फीस बताई है। आगे हम कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह देख लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है फिर से कि क्वालिफाई किया है जिसने एमफिल वगैरह 2 साल वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोड के थ्रू और कोर्स वगैरह किया है तो उनको अपने सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने होंगे और कोर्स वर्क से छूट दी जाएगी उनको। आगे इन्होंने फिर से वही बताया है कि जिनके पास नेट जेआरएफ सेट स्लेट गेट वगैरह है तो वो भी एग्जेम्प्टेड वगैरह है। इन्होंने यहाँ पर टेबल के रूप में बता भी दिया है कि जिनके पास में नेट जेआरएफ नेट स्लेट सेट गेट एमफिल वगैरह है तो उनको रिटन टेस्ट से छूट दी जाएगी, और जिन्होंने एमफिल वगैरह किया है कोर्स वर्क के साथ में तो उनको पीएचडी के कोर्स वर्क से भी छूट दी जाएगी यदि उन्होंने वहाँ पर पहले ऑप्ट किया हो तो। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और ये टेबल 2 के अंदर इन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड किसको डाउनलोड करना है, क्या है, आगे सब इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने दी है। दोस्तों, ये था इसके नोटिफिकेशन के बारे में, और आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह भी बताई है कि ये एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ है। तो ये 11 मार्च से स्टार्ट हो गया था, 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, और जिन कैंडिडेट ने फॉर्म वगैरह भराया है तो उनके लिए 28 मार्च तक वो एडिटिंग कर सकते हैं, और एप्लीकेशन स्क्रीनिंग 1 से 5 अप्रैल तक हो जाएगी, और एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन ये 8-9 अप्रैल बताई है, और फाइनल लिस्ट एप्लीकेंट की 12 अप्रैल को आ जाएगी। ये थी डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इसके बारे में अदर जानकारी के लिए इन्होंने अदर से एक नोटिफिकेशन भी दिया है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, इसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है
कि कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह के अंदर है तो उनको क्या करना है, सभी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट वगैरह किस प्रकार से बनेगी। तो अदर इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। दोस्तों आपको इन सभी की लिंक वगैरह हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसी PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।